नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज कक्षा दो में विषय गुजराती, पाठ नंबर हमारा 9 है। आज गुजराती में आपणे भणीशुं हरोळमां जुदा पड़तो स्वर के मूळाक्षर शोधी तेना उपर प्रत्यगोला दोरो। यानी कि हमें आज जो शब्द यहाँ पे दिए हैं, यानी कि हरोळमां आपणे શું કરવાનું છે, અલગ શબ્દ મૂળાક્ષર અલગ હોય એના ઉપર આપણે ગોલા કરવાનું છે। તો દેખો બચ્ચો, યહાં પે આપકો દિખ રહા હે ના કે ઉ ઉ ઉ ઓર કોન સા અલગ હે શ, ઇસ પર ગોલા કરેંગે। ફિર યહાં પે છોટા ઉ થ ઉ ઉ, તો યે ક્યા કરના હે, થ પે સર્કલ કરના હે ને ગોલા કરના હે। ફિર યહાં પે થ થ ઉ થ, તો યે ઉ જો હે યે અલગ પડ રહા હે, ઇસલિયે ઉસ પર ગોલા કરેંગે। फिर आपको क्या दिया है यहाँ पे, ऊ श श श, तो कौन सा अलग शब्द है आपको पता चल जाएगा, आप जल्दी से समझ जाओगे। बच्चों, ये जो अलग शब्द है उस पर आपको आपका जल्दी से फोकस हो पाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरस में आपेला अक्षरों जेवा अक्षरों शोधीने तेना उपर गोला दोरो। यानी कि चौरस में आपणे અહીંયા શબ્દ આપેલા છે, શું કરવાનું છે, આ જોઈને આપણે અહીંયા ગોલા કરવાનું છે। શું છે આ, ઊ છે, તો આપણે ઊ પર ગોલા કરીએ છું। પછી શું છે, શ, શ ઉપર આપણે ગોલા કરીએ છું। દેખો બચ્ચો, આપકો યહાં પે સૌરસ ચૌરસ મેં જો શબ્દ દિયે હે વો ક્યા હે, ઊ સે ઉન ઓર શ સે શરબત। जो शब्द आपको यहाँ पे दिए हुए हैं उसे जैसे सेम अक्षर को ढूंढते हुए आपको गोला करना था। जो अभी यहाँ पे थ और ऊ दिया है, थ पर हम गोला करेंगे और आपको शब्दों को अच्छे से देख लेना है कि कोई शब्द रह ना जाए। इस तरह से आपको क्या करना है, सर्कल करना है, गोला करना है। स्वरों के मूलाक्षर ओळखो वाचो अने रंग पूरो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मूलाक्षर दिए हैं, स्वर या मूलाक्षर यहाँ पे दिए हैं आपको। तो आपका क्या है, होमवर्क है, जो आपको क्या करना है, घर पर मन चाहे रंग इसमें भरने हैं, पढ़ने हैं और रंग इसमें भरना है अच्छा वाला, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्द वाचो मुहावरा करो अने लखो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसे पढ़ना भी है और लिखना भी। पहला शब्द है क्षण, यानी कि यहाँ पे बिंदु दिए, उस पर पेंसिल चलाते हुए हम लिखेंगे क्षण। क्या है, क्षण। क्षत, क्या है, क्षत। शक, शक। थ र थर। મધ, મધ। ન થ, નથ। બ થ, બથ। પ થ, પથ। इस तरह के जो शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हुए हैं उसे एक बार पढ़ना है और फिर दूसरी बार यहाँ पे पढ़ते हुए लिखना है। श न, श त, श क, थ र, म थ, न थ, ब थ, प थ। इस तरह से आपको शब्दों को अच्छे से लिखना है, पढ़ना भी है बच्चों। और आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। और देखिए बच्चों, लिखते लिखते आपको पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया और आप शब्दों को पढ़ सकते हो, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ल थ उर उड उठ उग उन उब उन। इस तरह के जो शब्द आपको दिए हैं वो भी जो पिंगुए यहाँ पे आपको दिए हैं उस पर ही लिख कर आपको शब्दों को पूरा करना है। ल थ उर उड उठ उग उन उब उल। इस तरह के शब्द आपको अच्छे से लिखने हैं और नीचे जो बॉक्स दिए हैं वहाँ पे आपको खुद लिखने हैं। वहाँ पे बिंदु दिए क्या, नहीं दिए हैं,
तो ल थ उर उड उठ उग उन उब उल। इस तरह से आपको शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, लिखना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बड़े शब्द दिए हैं, ये क्या है आपका होमवर्क है जो घर पे आपको पढ़ने हैं और लिखने भी हैं। तो ये आपको नोटबुक में भी आपके जो शब्द मैंने अभी पढ़ाए हैं शन शब शक वो भी आपको क्या करने हैं आपके नोटबुक में गुजराती वाले नोटबुक है उसमें लिखने हैं, है ना बच्चों। तो आपको जल्दी से आ जाएगा, यहाँ पे लर्न करना है फिर बाद में नोटबुक में लिखना है। शरम, चलो पढ़िए बच्चों मेरे साथ। शरम शरत शरण कथन मथक शपथ उदर ऊपर उदय उपन उपज उचक। इस तरह के जो शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हुए हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं आपको और लिखने भी हैं। इसमें लिखने हैं जो गुजराती की नोटबुक है आपकी उसमें ही आपको लिखने हैं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरखा शब्द वाचो और लीटी दोरी ने जोड़ो। यहाँ शू आप आप रहे हैं कि सरखा शब्द ओको और लीटी दोरी ने जोड़ो, यानी कि सरखा शब्द वाची ने अपने जोड़वा थन। तो ये रहा थन, तो उसके साथ इसे जोड़ेंगे। फिर उलट, तो ये रहा उलट, उस तरह के शब्द ढूंढ कर आपको यहाँ पे लिखना है। उगई उगई यहाँ पे दिया है। थड़क, थड़क दशक दशक। उनप उनप शब्द वाँचो अने कूर्ता अक्षर लखो, अने शू आपेलू शू आगळ आपणे कि कूर्ता अक्षर शोध वाँचो अने लखो, एने कि आपणे अहींया शब्द आपेला छे अने अहींया कूर्ता अक्षर आपेला छे, तो आपणे शू करवानुं छे। श कन, तो यहाँ पे श है क नहीं है तो क लगाएंगे यहाँ पे हमें, फिर हमारा बन गया शकन। फिर है पथक, तो यहाँ पे क्या नहीं है प नहीं है तो प लिखेंगे। फिर बाद में यहाँ पे शर्ट ल, तो क्या है शर्ट ल तो ल लिखेंगे। फिर है यहाँ पे अपने शरण, शरण यानी र लिखेंगे। ये क्या है हमारी खाली जगह है, कुत्ताक्षर छे। धगश, तो यहाँ पे आएगा ध धगश। पची छे उघड़, तो यहाँ पे आएगा ड उघड़। इस तरह से आपको जो शब्द आपको यहाँ पे दिए हैं वो अच्छे से आपको क्या करने हैं देखने हैं और यहाँ पे लिखने भी हैं और आपको याद भी करना है बच्चों। कि जो शब्द मैंने अभी आपको दिए हैं ये सारे शब्द आपको आपके गुजराती के नोटबुक में लिखने हैं, है ना बच्चों। जो मैंने यहाँ से पढ़ाए हैं ये वाले शब्द और ये वाले बड़े वाले शब्द और ये वाला जो जोड़ियाँ मिलाई वो भी लिखना है आपको। फिर नीचे का जो है शब्द वाचो और कुत्ता अक्षर लखो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है वाक्य मा वाक्य वाचो मुहावरा करो ने लखो, तो अहीं शू करवानुं छे आपणे वाक्य वाँचवाना छे लखवाना छे। आ भी तमारे नोटबुक में तमारे लखवानुं रहेशे केम कि तमारे वाचीन नोटबुक में लखी सको छो। पची छे उगम रद पर चट, तो यहाँ पे बिंदु दिए उस पर पेंसिल चलाते हुए हम बोलेंगे उगम रथ पर चढ़। फिर यहाँ पे लिखेंगे उगम रथ पर चढ़। इस तरह से वाक्य आपको अच्छे से लिखने हैं बच्चों। फिर आगे आपको दिया है विज सॉरी बच्चों उजम गढ़ पर चढ़। उजम गढ़ पर चढ़, यहाँ पे बिंदुए दिए हैं उस पर पेंसिल चलाएंगे पहले हम। ऊ जड़ उजम सॉरी बच्चों उजड़ नहीं उजम गढ़ पर चढ़। उजम गढ़ पर चढ़, यानी कि आपणे अहीं लखीए शू उजन गढ़ पर चढ़। इस तरह से आपको अच्छे से राइटिंग का निकालनी है और लिखना भी है। और ये जाले से शब्द मैंने अभी पढ़ाए वो सारे आपको नोटबुक में लिखने एक बार और अच्छे से अध्ययन करने हैं, याद करने हैं। आज हमारे यहाँ पे पार्ट नंबर
नाइन यानी नौ पूरा हुआ बच्चों। और आपको जो मैंने पढ़ा है वो आपको इस वाली बुक में ही करना है और घर की जो गुजराती बुक है उसमें भी लिखना है। जय गायत्री बच्चों। सो थैंक यू।